अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन मुझे ही आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन ता थी है दुनिया जी कुंड कुड़छ ताई जा जा माग बुझे पियो रणमेणी मेहरबानन के सिख भरो सलाम शाल कबूल पवे प्रोग्राम सोच विचार साण करे आऊं अवाजी खिदमत में हाजिर आवाजो पेंजो मेजबान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरुआत में अवां लई इहा ई दुआ शाल जितो जो सुख सलामती सा जो कदें भी दुख्य ढी न ऐसो कदें भी अवाजो मुर्खों अमेर न थियन दुनिया के कुंड कुड़छ में जिते भी रहो सिंध लाए सिंध वासिन लाए दुनिया के मजलूम मानन लाए जरूर जाखोड़ींदा रहो। असी अवां जी खिदमत में हाण पेश करूं था आईएसआई के सिविल ऑफिसर की जांच जा इख्तियार दियण वाले मामले ते फरहत जावेद की रिपोर्ट। हि रिपोर्ट असा अवां जी खिदमत में पेश करे रहा आहूं बीबीसी उर्दू जे तावुन सा। वजीर अजम शहबाज शरीफ एक नोटिफिकेशन वसीले मुल्क जे गुझे इदारे आईएसआई के सिविल ऑफिसर जे लाए बतौर वेटिंग एजेंसी कम करण जी हिदायत जारी करे छडी आहे। जारी कयल नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त आईएसआई समूरन पब्लिक ऑफिस होल्डर जी स्क्रूटनी कंदी जेका उनकी सर्विस जे शुरुआत यानी भर्ती जे वक्त हसास ओहदन ते मुकररी बदलियन ऐं तरक्कियन लाइ घुर्बल हूंदी। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी यानी आईएसआई वेटिंग जो इहो कम फौजी ऑफिसर ऐं बचाव वारी वज़ारत जे मातहत कम कंदड़ समूरन अहलकारन लाइ अॻु में ई कंदी हुई। आईएसआई जे वेटिंग बाबति हिसे खे SVA यानी स्पेशल वेटिंग एजेंसी चयो वेंदो आहे। फौज में 8101 SVA फार्म कंहिं बि तरक़ी बदली तोड़े जो इंटरव्यू जे मौके ते भी भरियो वेंदो आहे जंहिंमें लाॻापियल अहलकार उन जे ख़ानदान जी तफ़सील समेत तालीम माज़ी जे मुक़ररनि बाबति तफ़सील लिखंदा आहिनि। इहो फार्म आईएसआई जे तरफ़ां तयारु कयल फाइलनि में लॻायो वेंदो आहे ऐं हर तरक़ी ऐं बदली जे मौक़े ते लाॻापियल फार्म खे इहो रिकॉर्ड फराहम कयो वेंदो आहे। तोड़े जो फ़ौजी अहलकारनि जी हद ताईं त आईएसआई जो इहो किरदार हमेशह ई रहियो आहे हाणे सिविल ऑफिसरनि जी मुक़ररी जे हवाले सां एजेंसी खे इहो अख़्तियार ॾियण ते केतिरा ई हल्का तनक़ीद करे रहिया आहिनि। इन खां अॻु सिविल ऑफिसरनि बाबति इंटेलिजेंस मालूमात गॾु करण जो कम बाक़ाइदगी सां IBA यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऐं सूबाई सतह ते SBA यानी स्पेशल ब्रांच कंदी रही आहे जंहिंमें बुनियादी कम काग़ज़ गॾु करणु उन जी तस्दीक करणु पर उन सां गॾोगॾु लाॻापियल शख़्स जी फाइनेंसिंग इंटेग्रिटी सियासी वाबस्तगी ॿाहिरियनि मुल्कनि मां राबते ऐं किरदार बाबति मालूमात बि जमा कई वेंदी आहे। उन खां अलावा ॿियनि एजेंसियुनि सां गॾु कंहिं बि ऑफिसर बाबति अहम मालूमात जीअं त दौलत या ॿाहिरियुनि मुल्कनि सां लाॻापा मौजूदु हुजनि त IBA या लाॻापियल अथॉरिटी सां शेयर कई वेंदी आहे। BBC सां ॻाल्हाईंदे इंटेलिजेंस ब्यूरो जे अॻूणे डिप्टी डायरेक्टर जनरल नवीद इलाही चयो त वज़ीर आज़म जो इहो फ़ैसिलो इंतिहाई मायूस कंदड़ आहे ऐं उन सां ख़ुदि IBA जे अहलकारनि में इहो तासिर वियो आहे त उन्हनि जे कम ऐं इदारे खे ग़ैर मुसर करण जी कोशिश कई वई आहे। हू चवे थो त हीउ हिकु ग़ैर ज़रूरी क़दमु आहे ऐं सिविल इदारनि खे ग़लति पैगाम मिलियो आहे। IBA मौसर अंदाज़ में कमु कंदी हुई ऐं हाणे बि करे थी। हीउ हिकु ग़लति कमु आहे उन सां सिविल इदारा कमज़ोर थींदा ग़ैर ज़रूरी फ़ौजी मुदाख़लत थींदी ऐं इख़्तिलाफ़ पैदा थींदा। मालूमात गॾु करण जो ISI जो तरीक़ो IBA सां मुख़्तलिफ़ आहे। IBA ज़ोर ज़बरदस्ती बदिरां ॻुझे तरीक़े सां कमु कंदी आहे। हूअ इन फ़ैसिले जो ज़िमेवार वज़ीर आज़म ऐं IBA सरबराह जे विच में थियल फ़ासिलनि खे समुझे थो। हुन चयो त कुझु अरसे में आम तौरु DG IBA पर्सनल सेक्रेटरीज़ जी मर्ज़ी सां लॻाया वेंदा आहिनि ऐं वज़ीर आज़म जी एजेंसी बाबति समुझ घटि रही आहे।
एक वक्त हो जैसे डीजी आई बी ए सीधो सो वजीर अजम की ऑफिस पहुंची वो हो हाँ ये ना रही हो वह चवे तो वसीलन के लिहाज का आई एस आई मजबूत है पर जिते मालूम गड कर गाल आए तो आई बी ए जो तरीक़ेकार उन घना भेरा बेहतर है इन बारे में आई एस पी आर जो चवण है तो हम एक हुकूमती फैसलो है उही इन बारे में बेहतर राय दई सके थी उन्होंने अड़ो कदम छो खो जैसे हुकूमती तर्जमान से राबते के बावजूद जवाब न दिनों वो आई एस आई में सिविलियन भी आला उहदन से फायज हैं पर हुआ इन इदारे के तनजीमी ढांचे में ताकत न था रखन मुसनिफ डॉक्टर हेन एच केसलिंग पंजी किताब आई एस आई ऑफ पाकिस्तान में इन इदारे के तर्जीमी खाके बाबत लिखो है आई एस आई के सत डायरेक्टोरेट्स खातन बाबत भर्तियन या तहन का अलावा विंग्स यानी लागापियल शोबा पिण हैं आई एस आई के तर्जीमी ढांचे में फौज जो गलबो वधीक है तोड़े जो बेहियाई फिजाया सा ताल्लुक रखंदड़ ऑफिसर भी तनजीम जो हिस्सो हैं डी जी आई एस आई गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियन इस्लामाबाद में कायम गैर मुल्की सिफारत खान में मुकर्रर फौजी अताशन से राबते में मरकजी किरदार अदा कंदो आहे दर परदा हुआ इंटेलिजेंस वारन मामरन ते वजीर अजम जे चीफ एडवाइजर तौर बेकम कंदो आहे छा वजीर अजम जो फैसलो वाकई सिविल बालादस्ती जे लिए एक धचको आहे इन बारे में दिफाई तजेकार पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब है सिक्योरिटी के तनाजर में ढिजे तो ही एक खराब कदम है पर वाजे तौर पर फौजी मुदाखलत समझी वी जर हुकूमत आई एस आई के कें शख्स की वेटिंग जो चवे तो हुआ करे छींदी है या उन वट का मालूम होंगी है तो लागापिल इख्तियार से शेयर जरूर कंदी है मगर एजेंसी वट बाकायदा तौर पर अड़ा इख्तियार न हुआ हाँ एक रेगुलर फीचर थी वो हर हसास या सीनियर उहदन से मुकररी या तरक्की के लिए उन सिविल ऑफिसर ज नाला आई एस आई के उमाणा वा एजेंसी उन्होंने क्लियर कंदी तद ही उन्होंने मुकररी थी वो चवे तो सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से यो खराब है मसलन अवां के अहम हसास उहदन से अड़ा मानू मिलंदा जिन जा बाहर लागापा मुफाद न हुजन मगर उनजो सिविल हल्कन में सुठो तासर न वींदो यो भी चयो वींदो त इहा अथॉरिटी फौज वट हली वही है जेकड़े मिलिट्री कंखे पसंद नथी करे त हुआ क्लियर न थींदो ब्यूरोक्रेसी समझंदी त उन ते एक एक्स्ट्रा चेक इंटरफेरेंस है बे तरफ नवीदी लाही भी उन सा इतफाक कंदे चवे तो आई बी ए में एस बी में बाकायदा तरीक़ेकार मौजूद होजन के बावजूद सिविल बालादस्ती के निशानो ठाहियो वियो आहे कदें भी ये ना थो तो लिखी दई छो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है यानी हथियारबंद फौज में इंटेलिजेंस जो कम कंदड़ उन जो इहो मैंडेट ना है पंजी गाल के अगते वधाईदे हुने चयो त बे पासे आई बी ए सब का वो सिविल इंटेलिजेंस इदारो है जो सीधो सा वजीर अजम के रिपोर्ट करे तो विच में का भी वजारत नथी अचे पर गुजरल कुछ सालन का मुसलसल ये थी रो है त आई बी ए सरबराह जो राबतो वजीर अजम बदरा उन जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताई थे तो आई बी ए एक इंतहाई मजबूत इदारो है मालूम गड करण जो कम आई एस आई से वे हद ताई बेहतर अंदाज में करे तो ख्याल रहे त आई बी सिविल अहलकार की भर्ती खां वठी मुस्तकबिल में तरक्न मुकरन ताई हर मौके ते मालूम गड करे तो वजीर अजम के अड़ो फैसलो कर जरूरत छो पेश आई उन सवाल जो जवाब हुकूमत के तरफा अना ताई तहरीरी तौर न मिलो है दिफाई तजेकार अमजद शुएब समझे तो
उन जी वजह पान वजीर आजम जी ख्वाहिश भी थी सके थी जे छुकियो जो मुतालबो भी। शहबाज शरीफ गालबन इस्टेब्लिशमेंट के वधिक खुश करण चाहे तो जे करे हुने एड़ो फैसलो कयो आहे। पर यो भी थी सके तो पान जे एच क्यू चयो हुजे त ऑफिसरन जी मुकररी जे मौके ते इंटेलिजेंस क्लियर में ISI के शामिल हुजन घुर्जे। यो भी मुमकिन आहे तो सिक्योरिटी क्लियरेंस जी आड़ में एड़न मानन के मुकरर कयो वने जेके जे एच क्यू जी गाल बुधन। नवी दिल्ली चवे तो वजीर अजम शहबाज शरीफ के बतौर वजीर अला भी इो पसंद हुयो त कहें भी ऑफिसर जे इंटरव्यू का अग उन जी मैज ते इंटेलिजेंस जो रिपोर्टू टिन चयन सुफन में पियल हुजन। यह मालूमात उन जे फैसलन ते असरअंदाज भी थींदी रही आहे। पर बतौर वजीर अजम सिविल एजेंसियों होंदे भी एक फौजी एजेंसी के अड़ी जिम्मेवारी दियण जो उन जे मैंडेट का बाहर आहे। उन जो यो फैसलो समझ का मथाउ आहे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब मूजिब इन नोटिफिकेशन का पोए हाने ISI जो फैसला साजी जे अमल में शामिल थी वही आहे। मालूमात अगमें भी डिनी वेंदी हुई पर ISI फैसला साजी न कंदी हुई। मगर हाने कहें भी शख्स जी मुकररी ISI जी क्लियरेंस जी पाबंद हुंदी उन लाए सिविल सुप्रीमेस मुतासिर हुजन जो इम्कान पिण आहे। न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में बल्कि सुभाणे हुकूमत भी इहो महसूस करे सघे थी। हुआ समझे तो उन में सब खां वॾो मसलो अदलिया जे जजन जी मुकररी आहे। हुन चयो त मुशरफ जे दौर में ISI के गैर तहरीरी तौर ते इहो टास्क ॾिनो वियो हो त जजन जा नाला ऐं उन्हनि जी स्क्रूटनी ISI करे। हू हिकु जज जो वाक़ियो ॿुधाईंदे चवे थो त हिकु जज हुन वटि आयो ऐं हुन चयो त उन जी रिपोर्ट ॾिनी वई आहे त हूअ मज़हबी रुझान रखे थो, इन जे करे हूअ इन उहिदे लाइ मौज़ूद न आहे। हूअ चवणु लॻो त आऊं त घणो मज़हबी न आहियां, इहा रिपोर्ट ग़लति आहे। जेकॾहिं ॿिया इंटेलिजेंस इदारा कंहिं ऑफिसर खे क्लियर करार ॾेई छॾनि ऐं ISI क्लियर न करे त कंहिंजे मालूमात खे अहमियत ॾिनी वेंदी। इन सुवाल ते लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब चवे थो त आख़िरी फ़ैसिलो त सिविल हुकूमत में मौजूदु सरबराह जो ई हूंदो। वज़ीर आज़म हतमीअ फ़ैसिलो कंदो ऐं ISI उन मामले ते कुझु न करे सघंदी। हूअ सिर्फ़ु मालूमात ॾेई सघे थी त फलाणो शख़्स इन उहिदे लाइ सही न आहे। अलबत मुस्तक़बिल में ISI पंहिंजी उन मालूमात खे इस्तेमालु ज़रूरु करे सघे थी। नवी दिल्ली समुझे थो त उन नोटिफिकेशन खां पोइ समूरा इंटेलिजेंस इदारा मालूमात ते फोकियत ISI जी हासिलु हूंदी। हूअ चवे थो त हाणे त ISI खे पावर ऐं इख़्तियार ॾिनो वियो आहे ऐं हाणे कंहिंजी बि मुकररी या तरक़ी वग़ैरह ते हतमी मालूमात ISI जी हूंदी। ॿिए तरफ़ उन हवाले सां नोटिफिकेशन साम्हूं अचण खां पोइ सोशल मीडिया ते सिविल बालादस्तीअ जो सुवाल उथारियो पियो वञे। उते वज़ीर आज़म जे उन फ़ैसिले ते खुली तनक़ीद पिण कई पई वञे। नवाज़ लीग जे सीनियर अॻवान परवेज़ रशीद वज़ीर आज़म जे फ़ैसिले ते पंहिंजे तबसरे में हिकु मुतालबो बि कयो आहे। पंहिंजे ट्वीट में हुन चयो आहे त जेकॾहिं सिविल ऑफिसरनि जी छंड छाण जो कमु ISI जी ज़िमेवारी में शामिलु कयो वञे थो त पोइ ISI खे बि सिविल इंतिज़ामिया जे सुपर्द हुजणु घुरिजे ऐं पार्लियामेंट अॻियां हू जवाबदेह हुजणु घुरिजे। माज़ी में ॿीहर अहिड़ी कोशिशि कई वई आहे त ISI खे घरू वज़ारत जे मातहत कयो वञे।
अड़ो पेरों भेरों न थो है। अग में भी 1990 में अगुणी वजीर अजम बेनजीर भुट्टो के दौरे हुकूमत में ये कयो वियो हो, जडे एक रिटायर जनरल के ISI जो सरबराह मुकरर कयो वयो हो। बियो भेरो इन मामले में 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत यो फैसलो कयो और एक नोटिफिकेशन भी जारी कयो। उन वक्त घरू वजीर रहमान मलिक ए वजीर अजम यूसुफ रजा गिलानी हुआ। उन नोटिफिकेशन वक्त उहे बरतानिया रवाना थी चुका हुआ। इन बारे में रहमान मलिक फोत थियण खां अग BBC के दिनल पंजे इंटरव्यू में चयो हो त आउं ऐं वज़ीर आज़म लाइलम हुआसीं। बरतानिया पुॼंदे ई एयरपोर्ट ते इतला ॾिनी वई त नोटिफिकेशन कीअं जारी थियो। वज़ीर आज़म उन वक़्तु ऐलान वापसि वठण जो हुकम ॾिनो ऐं ईअं ई 24 कलाकनि खां बि घटि वक़्त में उन वक़्त जी हुकूमत पंहिंजो फ़ैसिलो वापसि वरितो हो। उन वक्त DG ISPR एक बयान में चयो हो त इन मामले ते फौज सा का भी मुशावरत न कई वही हुई। ख्याल रहे तो ISI जी घणी जिम्मेवारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गड करण ते हुंदी आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहिरियों वज़ीर आज़म हो जहां अंदरूनी तौर ते इंटेलिजेंस जमा करण जो मैंडेट ISI खे ॾिनो हो, जंहिंजो मक़सदु सियासतदान बाबति मालूमात जमा करणु हो। ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान पंहिंजे ट्वीट में वज़ीर आज़म जे फ़ैसिले ते सख़्त गणती जो इज़हार कयो आहे। इदारे चयो आहे त जेकॾहिं पाकिस्तान जी जमहूरी हैसियत खां अॻिते वधण जो मक़सदु आहे त सिविलियन मामलनि में फ़ौज जे किरदार खे घटि करण जी ज़रूरत आहे। दी आर्मी एंड डेमोक्रेसी मिल्ट्री पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान जे मुसनिफ़ आकिल शाह पंहिंजे ट्वीट में लिखियो आहे त ISI सरकारी आफ़िसरनि जी स्क्रीनिंग मामूल में कंदी आहे। इहो ब्लैंकेट पॉलिसी सिर्फ़ सिविल सर्विस जे गेट कीपर वॉच डॉग जे तौर ते ISI जे किरदार खे मज़बूत कंदी। सिविलियन बालादस्ती महज़ अल्फाज़ आहिनि। यूसुफ़ नज़र हुकूमती फ़ैसिले जी ख़बर खे शेयर कंदे चयो आहे त हुकूमती आफ़िसरनि जी जाच जे लाइ ISI खे कानूनी तौर ते इख़्तियार ॾिनो वियो आहे। उन सां वोट खे इज़त ॾियो जे नज़रे खे मौसर अंदाज़ में दफ़न कयो वियो आहे। साफ़ी मुईद पीरज़ादा जी नज़र में ISI वटि इलाइक़ाई ऐं बैन अलाक़वामी सतह ते ॿिया बि घणा चैलेंज आहिनि। हुन पंहिंजे ट्वीट में लिखियो आहे त शहबाज शरीफ ही अजीब ऐं ग़रीब नोटिफिकेशन जारी करे सन 2014 खां अपनायल PMLN जे नज़रे खे मुकमल तौर ते तबाह करे छॾियो आहे। सिविल सोसाइटी में मिल्ट्राइज़ेशन खे वधायो आहे। ISI जे अहिड़नि मामलनि में शामिलु करणु जिन सां हुन खे परे रखियो वञे। ISI जे इलाइक़े ऐं बैन अलाक़वामी सतह ते तमामु घणा चैलेंज आहिनि। हुनखे उन्हनि ते ध्यानु रखण जी ज़रूरत आहे। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं ISI खे सिविलियन आफ़िसरनि जी जाच जा इख़्तियार ॾियण बाबति फरहत जावेद जी लिखियलु रिपोर्ट। हीअ असां अव्हां लाइ चूंड कई हुई BBCUrdu.com तां। अवी ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, ऐं आऊं अव्हां सां मुखातिबु आहियां पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। असीं जेके रिवायतनि जा अमीन आहियूं तिन पंजनि रिवायतनि ऐं सकाफ़तनि जी केतिरी पोइवारी कई इहो पाण सभई ॼाणूं था। पाण पंहिंजे किरदार में केतिरा साबित क़दम रहियासीं इहा बि हिकिड़ी तारीख़ी हक़ीक़त आहे। पर बाशौर माण्हू पंहिंजे हड़ा वड़ा जदोजहद जा गस अॼु बि ॾिसे थो। थकाई तरथेल वेठण तां वारी वरे वारी ॻाल्हि बि पंहिंजी जाइ ते, पर पाण माण्हुनि आॾो टकर मटर मता रोह रतियूं थियण वारी ॻाल्हि बि नाहे छॾी थो। पाण बाशौर माण्हू ई नवां रस्ता खोले सघूं था ऐं पाण ई हिन क़ौम जी तकदीर बदिलाए सघूं था। इन लाइ मुसलसल जदोजहद करण जी ज़रूरत आहे। अचो हिन जदोजहद जे मैदान में हम क़दम बणिजी हिक ॿिए जो साथ ॾियूं ऐं नई सिंध जी तामीर लाइ अमली जदोजहद जो हिसो बणिजूं।
जीअं त अवीं भली भीत ॼाणो था त रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां असीं अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सचाई जा सॾ हूंदा आहिनि ऐं शौर जूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। असीं तारीख़ जा अमल वर्क वराईंदा आहियूं। सुजाॻ जे हिन सफ़र में असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी तमामु घणी ज़रूरत आहे। अचो सुजाॻ जे हिन सफ़र में असां सां हम क़दम बणिजो। दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक्तिसादियात, तारीख, कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतालिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती से प्यार कंदड़ अदीबन, दानिश्वरन, सहाफिन, उस्तादन, वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजणन खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नएं सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए। सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सतावो थिए।